कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे अब तक फरार है, लेकिन उसके दबदबे के बारे में दंग करने वाले लगातार खुलासे हो रहे हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस विभाग में विकास दुबे का एक दो नहीं बल्कि 200 पुलिस वाले मददगार रहे। ये वो पुलिसकर्मी थे जो विकास के लिए गुर्गे की तरह काम करते। ये सभी पुलिसकर्मी रडार पर हैं। इन सभी के मोबाइल CDR खंगाले जा रहे हैं। विकास दुबे के इलाके में समानांतर सत्ता चल रही थी। थाने में तहरीर आता तो पहली सूचना विकास दुबे तक पहुंच जाती। ज्यादातर पेंचीदा मामले विकास दुबे अपने घर पर सुलझाता था, यानी केस का फैसला अदालत की बजाय विकास दुबे अपने घर पर ही कर देता। इस मामले में निलंबित बीट दारोगा के शर्मा से पूछताछ हुई है, जिसने बताया कि 2 जुलाई को शाम 4 बजे विकास दुबे ने धमकी दी कि थानेदार को समझा लो, नहीं तो बिकरू गांव से लाशें उठेंगी। विकास दुबे इस तरह से सरेआम पुलिस वालों को भी धमकाता रहा, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस वालों ने एक साथ मिलकर इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई नहीं की। तो यूपी पुलिस में ही तकरीबन 200 क्या मददगार हैं इस विकास दुबे के, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वहीं कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे अब यूपी के टॉप 3 अपराधियों की लिस्ट में शामिल हो गया है। विकास दुबे के अलावा 2 ऐसे अपराधी हैं जिनके ऊपर 2.5 लाख का इनाम है। इनमें से एक है मेरठ का मोस्ट वॉन्टेड बदन सिंह बद्दो, जो की फरार चल रहा है, और दूसरा पश्चिमी यूपी का दुर्दांत अपराधी आशुतोष है, इस पर भी 2.5 लाख का इनाम है। ये 3 चेहरे, जिनमें से 2 की तस्वीर आप इस वक्त नहीं देख रहे हैं, ये 3 ऐसे हैं जो यूपी के टॉप 3 अपराधियों में शुमार किए गए हैं। तीनों के ऊपर 2.5 लाख रुपए का इनाम है, लेकिन अभी तक ये पुलिस की पकड़ से दूर हैं। उधर बिल्हौर थाने की प्रभारी विनय तिवारी इस मामले में संगीन आरोपों के घेरे में है। थाना प्रभारी के खिलाफ विभाग के बड़े अफसर शिकायत करते रहे। शहीद CO देवेंद्र मिश्रा ने भी थाना प्रभारी की शिकायत SSP अनंत देव से की थी। तीनों की बातचीत देवेंद्र मिश्रा के मोबाइल में दर्ज है। देवेंद्र मिश्रा की बेटी ने वो बातचीत पुलिस विभाग को सौंप दी है। सुनिए आपस में क्या हुई थी बातचीत। हेलो जैन सर। जी सर। हेलो सर। सर आवाज आ रही सर? हाँ ये भी है ना बिल्हौर। जी सर। जैन सर। सर आदेश, ये तुम 7 मुलजिम पकड़े भाई चोरी में और सर तुमने 5 की छोड़ दिया। सर मैंने कल आपको बताया भी था सर, ये उससे रिलेटेड थे नहीं सर। CO साहब के संज्ञान में थी, हमको तो बताया था तुमने कि कोई 5 नहीं, ये आपने CO साहब को बताया? आपको सर बताया था सर ये बात सर? मूर्ख है कि मैं कौन हूँ भाई, मुझसे क्या मतलब भाई? CO देख रहा है वहाँ पर, गलत है कि सही है? CO जाने नहीं सर, इसमें यशो ककवन ने कहा इनसे कि साहब मुझे 700 दे दीजिए। इन्होंने कहा बहुत बड़ा मैं गुड वर्क करूंगा, बहुत बड़ा गुड वर्क करूंगा, और उसको जाकर के एक बुड्ढा 70 साल का दे दिया, एक वो कर दिया, बाकी सर छोड़ दिया सर 5 मुलजिम। और अब हम यशो ककवन बता देंगे पूरी बात, बिल्कुल ईमानदारी से साहब पूछ ले अभी। नहीं तो 2 दिन तक वो 7 मुलजिम बैठे रहे, 2 दिन तक मुलजिम बैठे रहे 700। तुमने CO से पूछा, जब CO के संज्ञान में था तो CO को पहले कन्विंस करते कि भाई ये ऐसा ऐसा है, क्या करना है, तब आप बताते। मैं आज सर उपलब्ध नहीं हो पाए सर, मैं आज भी सर के पास गया था साहब के गले। तो मेरी ड्यूटी लगी थी आगरा में। आप कब मुलजिम आज से थोड़ा बैठे हैं? मुलजिम 3 दिन से बैठे हैं सर। कोई मैंने मतलब क्या आपको CO से मतलब नहीं है? आप जो है रेप वाला मुलजिम आपने छोड़ दिया, मुझसे बताया तक नहीं। अगर जब रेप वाला मुलजिम का अगर मर जाती लड़की तो ऐसे CO सस्पेंड होता था वो? आप जानते जो नहीं, अपने बिना मनमानी कर रहे हैं आप। इसकी बात कर रहे हैं साहब? मैं वही मैन कह रहा हूँ जो पब्लिक वालों ने पकड़ा था, उसमें भी आप इसी तरह किए हैं। अभी वो आदि मुकदमा भी है जिसकी लड़की थी वो भी है, कटिहार को जो छोड़ा गया था वो भी है। मेरे पास पूरा पूरा मैं सामने पेश कर सकता हूँ सर। आप बिल्कुल वो कर लें, आपके नॉलेज में सर बात डाली थी। वो लड़की को सर मैं ही लाया था पकड़ करके, लड़के को तो क्यों छोड़ा गया कटिहार को? आपने मुझसे बताया था क्या कि मैं छोड़ रहा हूँ? 7 मुलजिम वहाँ 7 पकड़े गए, और 7 में पकड़ने के बाद CO के संज्ञान में था, और वहाँ पर पूरी बात ही तो CO साहब बताते कि साहब ये निर्दोष है, ये दोषी है। सर CO साहब से मेरा संपर्क नहीं हो पाया, ये बात क्यों नहीं हो पाया? है मैं अभी भी आदमी हमसे संपर्क हो सकता है, फोन क्यों नहीं हुआ संपर्क?
फोन से बताते आप सर, ये जरूर मुझसे गलती हुई है। बाकी मैं सर 12 बजे भी लाहौर में चला हूँ, छोड़ा है आगरा के लिए, आदमी को गलत तरीके से छोड़ा है सर। अभी आप जाइए मेरे पास बैठ कर पूरी बात बताइए, और अगर ये सही हो आप कन्वीनियंस हो सीओ साहब तो ठीक है, नहीं रिपोर्ट दीजिए इनके खिलाफ। मैं सर आगरा आ गया हूँ सर। एसओ विनय तिवारी को लेकर शिकायत को अनसुनी किया गया और ये लगातार होता रहा, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। आखिरकार 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे कहां फरार हो गया है? इस वक्त देश के सामने यही सबसे बड़ा सवाल है। 4 दिन गुजर चुके हैं, बीत गए हैं, लेकिन विकास दुबे का कहीं भी सुराग पुलिस के पास नहीं है। विकास की तलाश में यूपी में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। विकास दुबे पर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। उसे पकड़ने के लिए उसके करीबियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। ये 5 अलग अलग तस्वीरें फिरोजाबाद, लखीमपुर, उन्नाव की आपके सामने हैं, जहां पर एक तरफ विकास के करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है तो लेकिन दूसरी तरफ 4 दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक विकास दुबे पकड़ में नहीं आया है। अब सवाल यह है कि क्या इस वक्त भी कोई ऐसा है जो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है और पुलिस कुछ कर नहीं पा रही? क्योंकि 200 पुलिसकर्मी भी इस पूरे मामले पर पुलिस के रडार पर हैं, जिनके मोबाइल फोन खंगाले जा रहे हैं कि आखिर वो लोग कैसे विकास दुबे को अपना सपोर्ट देते थे। सीओ बिलोर के ऑफिस, एसपी रूरल के ऑफिस एवं एसएसपी की कॉन्फिडेंशियल एवं जो क्लरिकल ऑफिस जिसमें जो दंड बाबू के ऑफिस, सब में चेक कराया गया है। इनमें से रिसीविंग एवं डिस्पैच रजिस्टर, इन दोनों में ना तो इस चिट्ठी के संबंध में कोई उल्लेख है, ना तो 14 तारीख को एसओ के खिलाफ कोई अन्य रिपोर्ट रिसीव हुआ है, इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, ना कोई इस संबंध में कोई फाइल यहां पर पाए गए हैं। फिर भी इस संबंध में और भी गहराई से हम जांच कर रहे हैं कि इस चिट्ठी का जो जेन्युइनिटी के संबंध में हम लोग और जांच कर रहे हैं, जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उधर विकास दुबे के खिलाफ सबूतों की तलाश में यूपी पुलिस तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है। विकास दुबे के घर के करीब एक कुएं को भी पुलिस खंगाल रही है। पुलिस को शक है कि कुएं में पुलिस से छीने हथियार हो सकते हैं। हम इस वक्त कानपुर के उसी बिकरू गांव में हैं जहां विकास दुबे ने ताबड़तोड़ फायरिंग करवाकर 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया। अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और सबूत तलाशने की कोशिश कर रही है। हम जिस जगह पर खड़े हैं यहां पर एक कुआं बना है जो कि गांव के बीच का कुआं है, और पुलिस को शक है कि इसके भीतर भी तमाम सबूत हो सकते हैं, लिहाजा पुलिस ने इसको खंगालने का फैसला किया है। और चूंकि ये अंदर से काफ़ी गंदा है और गहरा है, इसीलिए इसको इसके अंदर का पानी निकालने के लिए यहाँ पर पंपिंग सेट लाया गया है, जिससे इसका पानी निकाला जाएगा और उसके अंदर देखा जाएगा कि किसी तरीके का सबूत है या नहीं है। और ये कुआं जो है वो ठीक घर के बगल में है विकास दुबे के, और जिस रात ये घटना हुई पूरी, उस रात इसके अंदर तमाम जो है यहाँ पर हड़बड़ी में तमाम लोग भागे थे, कहीं कोई इसमें गिर तो नहीं गया या फिर कोई सबूत या फिर पुलिस के हथियार इसमें तो नहीं चले गए, क्योंकि पुलिस के तमाम हथियार भी गायब हैं। इसके लिए तमाम कोशिश पहले हो रही थी, यहाँ पर तार का कनेक्शन लाया गया, रस्सी के जरिए यहाँ पर हुक बना करके कोशिश की गई कि इसके अंदर से निकालने की और तलाशने की कोशिश की जाए। जब कामयाबी नहीं मिली उसके बाद अब पंपिंग सेट लाया गया, आप देख सकते हैं ये हुक है, इसके जरिए पहले निकालने की कोशिश हुई जिससे कि कुछ इसके अंदर से सबूत इकट्ठा हो सकें। उसके बाद ये पंपिंग सेट लाया गया है और ये पंपिंग सेट लगा करके इसके अंदर से तलाशी ली जाएगी कि आखिरकार इसके भीतर क्या है। हो सकता है इसके अंदर कोई सबूत मिले, लेकिन पुलिस को आशंका है कि इसके अंदर कुछ ऐसा सुराग मिल सकता है जो उस रात की भगदड़ में और ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच में जो कुछ हुआ उस पर कुछ रोशनी डाल सकता है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर आज तक।